ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैंने खुद अपने जीवन की लाइफ के आधार से देखा, जैसे मैंने अपनी कहानी शॉर्ट में बताई, गांव में रहते थे, 11 साल के बाद स्कूल में गए, मुझे हिंदी भाषा भी नहीं आती थी, इतना ही नहीं मुझे दो शब्द भी किसी को बोलने नहीं आते थे। जब मैं गीता पाठशाला में गया तो रोज आता था, मेरा फटा हुआ कुर्ता ऐसा पकड़ करके मैं बैठता था, वो महाराष्ट्र वाला ड्रेस, मराठी टोपी और स्कूल का ड्रेस पहन करके लास्ट में बैठता था। तो कभी वहाँ बहनें भी आती थी सेंटर की गीता पाठशाला में, तो मैं कोई दो शब्द भी किसी को नहीं सुनाता था। मेरे को कहते थे कि बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है देखो क्लास में, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कोई ज्ञान सुनाने वगैरह नहीं आता था। लेकिन मैं आत्मा का पाठ पक्का करता रहा। तो कभी भाई एक बार मुझे मधुबन में जाना था सेवा में, तो मैंने बहनों को पूछा मुझे मधुबन में, कहते तुम क्या करोगे, तुम तो पत्थर हैं, तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, तुम कुछ नहीं करोगे, इसलिए मेरे को छुट्टी नहीं दिया बहनों ने मधुबन जाने की। फिर कैसा बन गया पता नहीं, मैं मधुबन में पहुंच गया, मधुबन में पहुंच गया। जब उस समय मेरे सचमुच मुझे कुछ नहीं आता था, तो मेरे को भी लगता था मैं मधुबन में क्या कर सकता हूँ। लेकिन मधुबन में जाने के बाद दो साल वहां रहा, दो साल के बाद फिर वापिस दिल्ली आया, 10 साल दिल्ली में रहा, और सचमुच बाबा ने मेरे अंदर इतनी कलाई भर दी। आज मेरे दो दो साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते, इतना ही नहीं 9000 स्कूलों में 900 जेलों में लेक्चर किए होंगे, और किचन में खाना बनाने की सेवा करते हैं। इतनी सारी कलाई भर दी, कहा मुझे बहने क्या बोलती होती, और बाबा ने क्या से क्या बनाया। और मुझे अगर उसका अभिमान होता, वाह मैं बहुत अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा लेक्चर लिखता हूं, मैं कितना मारती हूं, मैं अपने आप को कभी याद दिलाता, और भगवान भाई तुम हिंदी भाषा भी नहीं जानते, तुम कुछ नहीं, ये जो भी कलाएं हैं ये बाबा ने तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए दिए, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम तो जीरो थे, इसलिए तुम जीरो बन के रहना, तुम हीरो नहीं बनना, इसीलिए निरहंकारी स्थिति रहते। क्यों? इतना ही नहीं, बाबा ने मुझे इतना अच्छा नाम भी दिया है, भगवान ने भगवान भाई बनाया, कितना बड़ा उपकार है। मैं कहा ये सदा एक निरहंकारी बनने के लिए एक बहुत सदा कहानी याद रखता हूं। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, जब गधा पाला था तो उसने एक नया मकान भी बनाया था उस व्यक्ति ने, तो उसको पुराने मकान का सारा सामान शिफ्ट करना था। वो सोचता भी कैसे लेके जाऊं, लास्ट में उसको लगा महंगाई है, कोई किराए पर गाड़ी वगैरह लाऊं बहुत पैसा लगेगा, उस गधे पर रख करके सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बड़ी सी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी मूर्ति थी, वो बची थी। अब उसको लगता है ये कैसे लेके जाऊं, लास्ट में उसको लगता है चलो इस गधे के ऊपर बिठा कर लेके जाता हूं। उसने क्या किया, उसको आइडिया आई, उसके ऊपर कपड़ा ढाकेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। तो क्या किया, गधे मूर्ति के ऊपर चारों तरफ से कपड़ा ढाका और मूर्ति को गधे पर बिठा कर लेके जाए। लेके जब जा रहे थे, गधा चलते चलते क्या हो गया, मूर्ति के ऊपर से कपड़ा हट गया, सिर देखना शुरू हो गया। जब सिर देखना शुरू किया, लोग क्या करते हैं, मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। जब नमस्ते करते हैं, गधे को लगता है नमस्ते कर रहे, वो गधे को नहीं कर रहे थे, किसको नमस्ते कर रहे, मूर्ति को। तो इसी तरह कभी जब हम सेंटर पर जाते हैं तो बहुत सारे भाई बहने क्या करते, धन से सेवा करते हैं, कई बार बहुत महिमा होते हैं, कई बार सम्मान होता है, तो वास्तव में सम्मान मेरा नहीं होता है, हम मधुबन निवासी हैं, समर्पित का बैच पहना हुआ है, मधुबन से आए इसीलिए सम्मान हो रहा है, पैसे दे रहे हैं, वो मेरे लेक्चर सुनकर के पैसा नहीं दे रहे हैं। अब मुझे अगर अभिमान है, मेरा लेक्चर सुनकर के बहुत अच्छा तालियां बजा रहे हैं, मेरे को देख करके पैसा दे रहे हैं, मुझे नहीं, मैं तो एक गधा हूं, कुछ नहीं आता था। इसलिए बाबा के कारण हमारा, अगर मैं बाबा का ना होता तो मेरा कुछ भी, इसलिए निरहंकारी, निरहंकारी बनने की जरूरत है। उतना निरहंकारी उतना मान अपमान निंदा स्तुति में भी
समान स्थिति, इसलिए निराकारी वाला ही निराकारी स्थिति में रह सकता है। अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं बनती, मुझे कोई चीज का अभिमान है, और अभिमान वालों के अंदर क्रोध भी होता है, रोब भी होता है, जोश भी होता है। अभिमान आया गुणों का गुलदस्ता मुरझाया, इसलिए अभिमान से मुक्त बनना, वो कैसे बनना है उसके लिए अलग से एक टॉपिक कभी लेंगे, अभिमान से मुक्त कर। क्योंकि बिना अभिमान से मुक्त किए हम सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी नहीं बन सकते, निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी थे, दादिया कितनी निरहंकारी थी, और इसीलिए निराकारी स्थिति बनाना उनके लिए इजी हो गई।